चले आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको मध्य प्रदेश लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में, तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास गुना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़कर के, व्यक्तिगत साधना को छोड़कर के, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर का की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब, प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच सचमुच राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। उनका अत्यंत सानिध्य प्राप्त होता था, कितना वात्सल्य था उनके मन में देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए। सचमुच राजमाता थी। और गुनावासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि 15 वर्षों तक राजमाता आपका नेतृत्व किए देश की संसद में, और 17 वर्षों तक भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में, जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे, तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का एक स्टैंडर्ड दिया देश को, और उसके माध्यम से भारत की प्रगति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे श्रीमंत माधव राव सिंधिया जी का वैसानिध्य इस क्षेत्र को मिलता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नगर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी, 150 से अधिक एयरपोर्ट, और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया
कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। और इसी यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। दो चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपके आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने, राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है, चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में, भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है, अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले देश के अंदर पैसे में कमीशन खोरी हो जाती थी और अब तो जनधन अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने, पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया, 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में LPG के कनेक्शन भी मिल गए, करोड़ों लोगों को मकान मिल गया। और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए
कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सबके मकान बनेंगे, अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं ये तो मोदी जी कह रहे हैं एक शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। हमें तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। एक तरफ मोदी जी का विजन, आपकी आस्था को भी सम्मान, सुरक्षा भी, दुनिया के अंदर सम्मान भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा, और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं, हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं। राजमाता के प्रति अप्यार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था, और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था, और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे।